ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी भाजपा ने एक दूसरे पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने स्पष्ट किया कि बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं। पार्टी के चुनाव प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने बीजेपी पर ऐसी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी भाजपा ने एक दूसरे पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने स्पष्ट किया कि बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं। पार्टी के चुनाव प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने बीजेपी पर ऐसी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी भाजपा ने एक दूसरे पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने स्पष्ट किया कि बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं। पार्टी के चुनाव प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर ने बीजेपी पर ऐसी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है।